एक मैं बात यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि जो यूथ है ना सर, वो सफलता के लिए बहुत सारे शॉर्टकट्स देखता है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के बाद, मोटिवेशनल स्पीकर से मिलने के बाद मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन मोटिवेट होने के बाद ना वो कोई ऐसा शॉर्टकट ढूंढते हैं कि बस मैं ऐसा एक काम कर दूँ कि फंडिंग आ जाए, शार्क टैंक में जाऊँ और 50 करोड़ रुपये मेरे पास आ जाएँ, मैं कोई बिजनेस का सेटअप ना बनाऊँ, मेहनत ना करूँ, बस मेरे आइडिया पर कोई पैसे लगा दें। अभी रिसेंट एक कॉल बता रहा हूँ, हमारे ऑफिस में कॉल आया कि मेरे पास एक बिजनेस प्लान है और 151 करोड़ रुपये की मुझे फंडिंग चाहिए, अगर माहेश्वरी जी आप दिलवा देंगे तो 5 करोड़ रुपये आपके दूंगा। मैंने अपने ऑफिस स्टाफ को कहा कि उनसे सिर्फ इतना पूछ लो कि 151 करोड़, चलो 100 करोड़ मान लेते हैं, कि 100 करोड़ का 20% उनके पास है। आज बैंक भी आपको कहता है प्रॉपर्टी खरीदिए तो 20% आप दो, 80% हम लोन दे देंगे। अगर आपके पास 20% है, मतलब 20% एफर्ट आप कर सकते हैं तो 80% लोन मिल सकता है। आप मुझे 5 करोड़ रुपये देंगे, उससे पहले ही तो डिसाइड कर लो 151 का 20% आपके पास है, अगर है तो आपका प्रोजेक्ट पास हो सकता है। बल्कि पूछा गया कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, तो कह रहे जी प्रोजेक्ट नहीं है, बस एक आइडिया है। कि आइडिया को पहले आप फॉर्म करो, मतलब शॉर्टकट ढूंढना शुरू करते हैं लोग, और इसी उद्देश्य में भारत जैसे देश में ना शार्क टैंक जैसा प्रोग्राम फेमस हो जाता है। उनको लगता है कि बस अब मैं जाऊंगा, अपना प्रोडक्ट या सर्विस दिखाऊंगा और उतनी फंडिंग उठा के लेके आऊंगा। तो इस शॉर्टकट से बचने का क्या तरीका है, मेहनत का क्या ऑल्टरनेट है, कोई ऐसा शॉर्टकट है जिसके अलावा हम वो यूज करके कामयाब हो जाए? सर, ताजमहल को ना बनने में 20 साल लगे थे। अब जरा सोचो, शाहजहां के पास ना पैसों की कमी, ना मजदूरों की कमी, किसी भी चीज की कमी नहीं, फिर भी उसको बनने में 20 साल लग गए। वो 1 साल में क्यों नहीं बना पाए, 6 महीने में क्यों नहीं बना पाए? इसका मतलब एक चीज समझ में आता है कि अगर कोई चीज है, हासिल करना है, और वो चीज बहुत बड़ी है, तो उतना ही समय उसमें ज्यादा लगने वाला है। उस लक्ष्य को हासिल करने में उतना आपको समय देना पड़ेगा। अगर 6 महीने में बनवाना है तो एक छोटा सा कमरा बन सकता है, मिल जाएगा, उससे संतुष्ट हो तो ले लो। ताजमहल बनवाना है तो 20 साल लगेंगे भैया। सवाल ये उठता है कि आप या कोई भी जिंदगी में पाना क्या चाहता है? उसको 5,000 रुपए की नौकरी पानी है? सर, कुछ ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड, मारपीट करना आता है, को शरीर ठीक है, 5,000 की नौकरी मिल जाएगी, 10,000 की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आप कहते हो 5 लाख रुपए कमाना है, तो 5 लाख रुपए जिस इंडस्ट्री में कमाना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? क्या 1 साल सीखना पड़ेगा? क्या 1 साल धक्के खाने पड़ेंगे? तो 1 साल करना पड़ेगा। कोई कहता है 50 लाख रुपए कमाना है, तो 50 लाख रुपए किधर कमाना है भैया? उसको कमाने के लिए क्या क्या चीजें, पापड़ बेलने पड़ेंगे, बेलना पड़ेगा, तब जाना पड़ेगा। जितनी छोटी चीज उतना कम समय लगेगा, और जितनी बड़ी चीज वहां ढूंढ लो शॉर्टकट मिल जाएगा, लेकिन जितनी बड़ी चीज वो उतना ज्यादा समय लेगी। एक किसी, मतलब ये बात शायद ऐसे बोलनी नहीं चाहिए, ऑफलाइन प्रोग्राम में किसी ने पूछा कि सर कोई ऐसा बिजनेस बताओ जो अभी शुरू करूं और कमाई शुरू हो जाए, उनका जो वीकली बाजार होता है ना वो लगा ले, हैंड टू हैंड। अभी तूने 3 बजे बाजार लगाया और 5 बजे तक सेल खत्म। लेकिन अगर बड़ा बिजनेस करना है, एक एस्टेब्लिश बिजनेस करना है, तो आपको समय लगाना पड़ेगा। एक 5-स्टार होटल को बनने में 5 से 10 साल लगते हैं, तब जाके वो अगले 1 साल पे लॉस को कवर करते करते ब्रेक इवन पे आता है, उसके अगले 1 साल जाके वो प्रॉफिट पर आता है। तो जितना बड़ा व्यापार होगा उसको एस्टेब्लिश करने में उतना समय लगेगा, जितना ऊंचा पहाड़ है उसको चढ़ने में उतना अधिक समय लगेगा। हाँ, अगर आप स्किल्ड हैं, आप नॉलेज को ग्रैब कर रहे हैं, स्पीकर से चीजों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, बिजनेस कोचेस की लर्निंग को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आप उसको जल्दी कर रहे हैं। Exactly. शायद यही मैसेज आप देना चाहते हैं। Exactly. अंत में मैं ये चाहूंगा कि एक ऐसी बात जो आप युवा को मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में ये 5 स्टेप्स जरूर फॉलो करना। 5 स्टेप्स फॉलो करने, सबसे पहली चीज ये मान के चलो कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। अच्छा, संघर्ष का डेफिनेशन बताता हूँ, ये पता ही नहीं है। संघर्ष कई बार फैसिनेटिंग वर्ड लगता है, जो संघर्ष करना पड़ेगा बहुत बढ़िया। सर, संघर्ष का मतलब यह है कि आपको वो सारे काम करना पड़ेगा जो आपकी आत्मा कहती है कि मेरे से नहीं होगा। मतलब संघर्ष वो वाला नहीं है जो शाहरुख खान का बेटा भी कहता है मैं संघर्ष कर रहा हूँ, वो नहीं, वो संघर्ष वो नहीं है। सर, संघर्ष का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप अगर सुबह 8 बजे उठते हो तो सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। संघर्ष का मतलब ये भी है कि 8 बजे अगर उठते हो तो 3-3 दिन तक हो सकता है सोने को ही ना मिले, या 3-3 दिन तक हो सकता है कि आपको हर रोज 3 बजे उठना पड़े, 2 बजे उठना पड़े, ढंग से नींद ना मिले, वो भी हो सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, आपको लग रहा था 1 महीने में ये मिल जाएगा, सर 1 महीने में उसके पाँव का धूल भी ना मिला। क्या पता वो 1 महीने एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन 1 साल, अच्छा आपको पता नहीं कि 1 साल लगेगा, वो आप किए जा रहे हो, चले जा रहे हो, लेकिन कब कहाँ मिलेगा आपको नहीं पता। और वो टाइम होता है जब आदमी फ्रस्ट्रेट होता है, उससे बचना, उसमें सर्वाइव करना, उस फ्रस्ट्रेशन को कंटिन्यू रख के आगे बढ़ते चले जाना, वो संघर्ष होता है। ग्रेट, पहली चीज संघर्ष जी। दूसरी चीज, जब आप किसी चीज को पाने के लिए मेहनत कर रहे होते हो, आप जीरो पर होते हो, तो आदमी अपनी पूरी ताकत लगाता है, क्योंकि जोश भी होता है और जरूरत भी है, पूरी ताकत लगाता है। लेकिन एक थोड़ा सा लेवल हासिल हो जाता है ना, धीरे धीरे लिमिट हो जाता है, बिल्कुल ठीक है सब कुछ। लेवल हासिल होने के बाद उसका जोश खत्म हो जाता है,
उसको लगता है तो पहुंच ही गए, तो हो ही जाएगा, उसको लगता है तो मिल ही जाएगा। तो जोश खत्म होना उसका एफर्ट कम कर देता है, और जैसे उसका एफर्ट कम होता है सर, वो वहां रुकता नहीं है, उन पीछे आने लग जाता है। फिर आदमी फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है, अरे मैं तो इतनी मेहनत कर रहा था, मेहनत नहीं कर रहा, पीछे जा रहे हो। तो इसके लिए प्रिपेयर रहो कि आपका जो थोड़ी बहुत आपको सक्सेस मिलेगी, आपको वही एनर्जी वही ताकत उस वक्त भी लगानी है जो पहले दिन लगा रहे थे आप जी। जो आदमी जीरो लेवल पर जितनी मेहनत कर रहा है, वो पहले दूसरे तीसरे पांचवें दसवें लेवल पर जाने के बाद भी अगर उतनी ही मेहनत करता रहे ना, तो उसके 10 से 100 की स्पीड कहीं ज्यादा तेज हो जाएगी। ग्रेट। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये, ऐसे लोगों की संगति जानबूझ के बनाओ जो आपको अंदर से झंझोड़ती है, जो कहती है कि यार तूने कुछ उखाड़ा ही नहीं अपने लाइफ में, तू तो कुछ कर ही नहीं रहा, उनको देख वो कितना कुछ कर रहे हैं, ये फील आना चाहिए ऐसे लोगों की संगति में रहकर। लेकिन अगर कुछ लोगों की संगति आपकी ऐसी है जिनकी संगति में आपको ये लगता है रह करके कि मैं बहुत मेहनती हूँ, बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत कुछ किया है, अगर उस संगति में रह के आपको बड़ा फील होता है, तुरंत छोड़ दो। मतलब अंधों में काना राजा नहीं बनना। हाँ, जहर है वो संगति, तुरंत छोड़ दो। तीसरी चीज संगति। चौथी चीज, ऑलवेज अपने आप को तैयार रखो इस चीज के लिए कि आपको हालात किसी भी टाइम पटक सकता है, कोई भी आपको धोखा दे सकता है, कोई भी आपको चीट कर सकता है, तो उस चीज के लिए प्रिपेयर रहो। दुनिया और समय, लोग कभी भी आपके अकॉर्डिंग नहीं चल सकते सर। समय आपको पटकेगा, तैयार रहो, पटकेगा तो फिर उठेंगे ना, फिर मेहनत करेंगे ना। इसके लिए चार चीज हो गए, पांचवी सोचता हूँ, पांचवी क्या है, सीखते रहो। आपके जो भी सोर्सेज हैं, किताबों से, लोगों से, सीखते रहो, ऑब्जर्व करते रहो, आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही हैं उसको देखते रहो। अब मैं एक वाक्य शेयर करता हूँ आपके साथ। हमारे भागलपुर में एक बार क्या हुआ था, एक प्लेन क्रैश हुआ था। अच्छा। तो प्लेन क्रैश, छोटा सा प्लेन था, प्लेन क्रैश हुआ, तो प्लेन क्रैश होने के बाद आप क्या उम्मीद करोगे, वहाँ पे लोग आएंगे ठीक ठाक करके सब हटा उठा जाएगा। सर विद इन 2 आवर्स वहाँ पे छोले भटूरे बिकने लग गए थे, समोसे तलने वाले वहाँ पहुँच गए, मालूम क्यों, क्योंकि भीड़ लग गई थी वहाँ पर। अच्छा, भीड़ किन लोगों की लग गई, वो देख रहे हैं इसका पंखी प्लास्टिक का है कि लोहे का है। अरे तुमको क्या मतलब, वो देख करके कहना समझाना मैं ही चाह रहा हूँ कि चीजों को ऑब्जर्व करना है, सीखना है, लेकिन ये भी समझो कि किस चीज से ऑब्जर्व, किस चीज को ऑब्जर्व करना है। टाइम पास नहीं करना है ऑब्जर्व करने के लिए, शाहरुख खान की पठान आ गई, पठान तो फ्लॉप होनी चाहिए। अरे तुमको क्या मतलब पठान से यार, तुम शाहरुख खान बनने जैसा तो सोचो। एक बार बिजनेस मीटिंग में बैठा हुआ था मैं, और स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर थे, एमएसएमई की एक मीटिंग थी, वो डिस्कस कर रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए, जीएसटी में ये गलत है, जीएसटी में वो गलत है। तो मैंने वहाँ एक प्रश्न किया, आप में से कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो जीएसटी काउंसिल में हैं, जिनके सुझाव जीएसटी में माने जाएंगे और परिवर्तन हो जाएगा? किसी के भी नहीं होंगे। जब कोई भी नहीं है तो उसमें डिस्कस करके फायदा क्या है? अब आप ये सोचो, जो आया हुआ जीएसटी है इसको किस तरह से अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना है, और इसका कैसे हम फायदा ले सकते हैं, और किस तरह से टैक्स बचा के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर फोकस किया जाए। तो सबने तालियां बजाई कि बात तो बहुत बिल्कुल सही कही है। जब कोई जीएसटी काउंसिल में है ही नहीं, कोई मिनिस्ट्री में नहीं है, तो इस विषय पर चर्चा करके तो हम समय ही व्यर्थ कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो बहुत शानदार लर्निंग सर आपने दी है। लाइफ में ना सर, जब आगे बढ़ते हैं तो प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, और ये एक पब्लिक डोमेन पर देखते ही हैं कि भाई कुछ लोग उन प्रॉब्लम से हार जाते हैं, जो लोग नहीं हारते हैं वही जीत पाते हैं। एग्जैक्टली। इसीलिए मैं कई बार अपनी कविताओं में भी कहता हूँ कि फिर सब मन माफिक होगा ना घबरा भूचालों से, फिर सब मन माफिक होगा ना घबरा भूचालों से, एक राह निकल कर आएगी, मत चिंतित हो सवालों से। आज अंधेरा घना सही, आज अंधेरा घना सही, और आगे कुछ भी दिखे नहीं, कल रोशन होगा उजालों से, ना घबरा भूचालों से। मेहनत कश इंसान अगर तू, सपना एक सजाएगा, थोड़ी ताकत और लगा बस, सब तुझको मिल जाएगा। क्या बात। बड़ा कदम और आगे चल बस, अरमा पूरा हो जाएगा, और मंजिल उनकी राह देखती जो आगे कदम बढ़ाएगा। फिर सब मन माफिक होगा ना घबरा भूचालों से, एक राह निकल कर आएगी, मत चिंतित हो सवालों से।